हेलो एवरीवन, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट हंडिया में खीर, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अधिकतर ये खीर गांव में बनाई जाती है, लेकिन आज हम शहर में गैस के चूल्हे पर ही ये खीर बना के तैयार करेंगे और ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होगी जितनी गाँव में मिट्टी के चूल्हे पर बन के तैयार होती है। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम यहाँ चीनी ली है। यहाँ मिट्टी की हंडिया में ही आज हम बनाने वाले हैं और इसे थोड़ा हम पिघला लेते हैं। इसे पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, केवल हमने चीनी ली है और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक हमें पकाना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए जैसे शहद होता है तो हमें इसे जब तक पकाना है। ये देखिए, इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल शहद जैसा हो जाएगा। आपको खीर का कलर जितना ब्राउन रखना हो उसे इतना ही पकाइएगा। यहाँ 2 किलो के करीब मैं दूध लूँगी। आप कच्चा दूध लेना चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं। ये मैंने उबला हुआ लिया है और मलाई भी इसी में डाल देते हैं ताकि हमारी खीर बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो। तो 200 ग्राम चीनी में मैंने 2 किलो दूध लिया है और ये दूध डालने के बाद इस तरीके से चीनी जम जाती है नीचे, तो आप टेंशन मत लेना, ये 2 मिनट के बाद अपने आप घुल जाएगी दूध में और बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। यहाँ 50 से 60 ग्राम मैंने चावल भिगो लिया है और चावल को या तो आप खिचड़ी वाला जो मोटा चावल होता है वो लीजिएगा, यदि दूसरा चावल है कोई तो उसे इस तरीके से थोड़ा हाथ से रगड़ लीजिएगा ताकि चावल टूट सके। बहुत अच्छे वाला चावल आपको यूज़ नहीं करना है, खिचड़ी वाला जो मोटा चावल होता है वही लेना है। यदि थोड़ा अच्छे वाला है तो हाथ से आप उसको रगड़ के तब यूज़ कीजिएगा। और इसे लो फ्लेम पे हमें 30 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा चावल अच्छे से गल जाए और दूध भी पक जाए। यहाँ 1 टीस्पून देसी घी लेंगे और इसमें किशमिश छोड़ के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे सुनहरा होने तक थोड़ा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। और अब लास्ट में ये किशमिश ऐड करेंगे और गैस ऑफ़ कर देंगे। किशमिश डालने के बाद हमें गैस ऑफ़ कर देनी है। यहाँ थोड़ा छोटी इलायची का पाउडर लूँगी और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जो खीर हमारी बन चुकी है इस ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसे केवल 5 मिनट के लिए हमें और पकाना है। आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम कलर आ चुका है, चावल भी हमारा गल चुका है। तो इस तरीके से आप खीर बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होती है। अभी तक आपने खाया होगा कि हमें वाइट खीर बना के तैयार कर ली और ऊपर से चीनी को कैरेमल बना के ऊपर से ऐड करते हैं, तो उसके स्वाद में और उसके स्वाद में बहुत अंतर है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट एकदम खीर बन के तैयार होती है, जैसे दूध कढ़ाया जाता है तो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो ठीक उसी तरह से इस खीर का भी अलग ही स्वाद होता है। तो आप इस तरीके से इस खीर को ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यदि आपके पास हंडिया नहीं है तो इसे आप कुकर या भगोने में भी बना सकते हैं, जब भी ये उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। यदि रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।